प्रदेश में दिन ब दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने चिंता जताई है। वरिष्ठ नेता व भाजपा के स्पोक्स पर्सन योगेश ठाकुर, शिवसेना बाल ठाकरे के प्रदेश प्रमुख योगराज शर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुंडाराज हावी है, जो चाहे जिसे चाहे कब गोली मार दे, किसी को भी कानून का डर या खौफ नहीं रहा। देखो, 2 साल हुए हैं इस सरकार नू, मैं कहांगा भी 2 साल पंजाब करता बेहाल, बुरा हाल करता पंजाब दा। कानून व्यवस्था तुहानू पता ही है, व्यापारी वर्ग जिहड़ा है वह घरों जदों अपने कारोबार करन वास्ते आंदा है ते डरिया होया सहमिया आंदा है। हुण ते पोजीशन हो गई है भी फिरौतियां ते मंग ही रहे है, शरेआम दुकानां दे उत्ते बैठे दे, अपने शोरूमां दे बैठे दे, कारोबार दे उत्ते बैठे दे ही गोलियां मार रहे हैं। तो एकांतक दा माहौल है, मतलब व्यापारी वर्ग भी जड़ा है बड़ी जल्दी मेरे हिसाब नाल इत्थों माइग्रेट करके फॉरन दे विच चले जाएगा। यह पोजीशन आ रही है पंजाब दे विच। देखो, मान सरकार बड़े बड़े वड्डे दावे करती है, यह पंजाब नू जड़ा है वह वैस्ट बंगाल की तर्ज के उत्ते लैके जा रही है, वैस्ट बंगाल पैटर्न के उत्ते। वैस्ट बंगाल च की होंदा सी भी उह जड़ा ओपोजिशन करदा सीगा उहनू बॉम ब्लास्ट गोलियां दे नाल मतलब ओपोजिशन नू खत्म कर दिंदे सीगे, उसे पैटर्न के उत्ते पंजाब नू लिआंदा जा रहा है। वैसट बंगाल की पैटर्न के उत्ते जिहड़ा ओपोजिशन है, हैल्दी डेमोक्रेसी दे विच ओपोजिशन का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। इन्हां को करन कराने वास्ते कुछ भी नहीं है। फाइनैंशियल पंजाब दे विच क्राइसिस है, पिछले 2 साल होए हैं तकरीबन, 2 साल दे विच 50,000 करोड़ प्लस का जिहड़ा कर्जा इन्होंने पंजाब ते होर वधाया। एक सिर्फ बिजली की स्कीम नाल पब्लिक नूं गुमराह करके गरीब जनता नूं कुछ यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट दे के ते भैणां नूं जिहड़ा 1,000-1,000 रुपए का प्रलोभन दे के ते इन्होंने सरकार बना ली। हुण बिजली के कमर्शियल यूनिट्स का तुसीं रेट देख लो, जिहड़े बिल 25,000 आ रहे सी अज 40,000 रुपए कमर्शियल का बिजली का बिल हो गया, इन्होंने तकरीबन 1 रुपए यूनिट होर वधा दिता कमर्शियल दे विच। प्लस उहदे नाल ही रेट बजरी जिहड़ी 2,000-1,800 होंदी सी ते हाहाकार मचदा सी भी रेट बहुत महंगी है, जिहड़ा कि इन्होंने अपने इलैक्शन मैनीफेस्टो च लिखिया 550 रुपया असी रेता देंगे। अज रेता जरा 5,500 तो लैके 6,000 रुपए तक सैकड़ा मिल रहा, मतलब एक आम वर्ग जरा है डिवेलपमेंट की तो हूं इन्हें बहाना लगा रहे हैं कि भी रेत बजरी महंगी। रेत बजरी महंगी की कि नहीं, तुहाडी गवर्नमेंट ने की है, 2 साल तो एक इट नहीं लगी इन्हों को। जरा हूं तुम लॉ एंड ऑर्डर की गल दस रहे हो, शरेआम जरा है वह धक्का हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। शरेआम एक प्रोफेसर जेड़े उन्होंने अपनी सुसाइड कमिट की, सुसाइड एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस का नाम लिखता और उत्ते इमीजिएट जी है बिना किसी लापरवाही तो क्रिमिनल FIR जी है IPC 306 होर जड़िया धारा लगनी है परचा दर्ज होना चाहिए सीगा। उन्होंने गुमराह एडी शर्मनाक गल, कॉम्प्रोमाइज दबाव पा के किया, एक 5 साल की बच्ची नू जॉब देने का प्रलोभन देता इन राइटिंग दे विच। मतलब इस तो वध शरेआम मतलब एक मजाक, मेरे को वर्ड्स नहीं है गे कि भी जिस तरीके का यह ट्रीट कर रहे हैं। परसों बठिंडा दे विच एक व्यापारी जड़े है उन्होंने शॉप के बाहर ही गोलियां मारती, कोई ऐसा दिन नहीं है। कल अमृतसर के गोलियां वजियां, थोड़े दिन पहले सुनहरे नूं वजियां, मतलब न्यूज़पेपर खोलो या चैनल खोलो तो गोलियां वज गई, गोलियां वज गई, गोलियां वज गई। यह पंजाब का माहौल है। देखो, ये डर है क्योंकि वह ईमानदार आदमी है। मैं पहले भी कहा सीगा चाहे वह आम आदमी पार्टी तो संबंधित है, पर मेरे वास्ते वह आइडियल है साढ़े। वो एक ऑनेस्ट अफसर है, अफसर सीगे, उन्होंने 9.5 साल अपनी नौकरी का त्याग किया, पंजाब के लोगों ने उन्होंने कहने के उत्ते उस चेहरे के उत्ते ही यकीन किया, बहुमत के नाल पूरे पंजाब दे विच सरकार बनाई। उन्होंने दरकिनार इसे करके किया जा रहा क्योंकि आम आदमी की सरकार जेड़े अपने आप नूं कट्टर ईमानदार कहिंदे है, कट्टर बेईमाना की सरकार है। माइनिंग दे विच जमीन टोटल इनवॉल्व है, लैंड माफिया दे विच टोटल इनवॉल्व है गौरमेंट, बुरी तरह हर चीज दे विच गुंडियां नूं गुंडाइज़म जेड़े है उन्होंने ये शेल्टर कर रही है गौरमेंट। मतलब जदों तुहाडा मोटो कुछ होर होए, लुट कुसुट होए, तो फिर तुसीं ईमानदार अफसर नूं किस तरीके नाल गृह मंत्री का पद दोगे? ऐसी सिर्फ एक डर है क्योंकि केजरीवाल
भगवंत मान की सरकार टोटल भ्रष्टाचार के लिप्त है। इन्हों की सारी कैबिनेट इन्होंने जिन्हें भी एमएलए है टोटल कितने भी तुम चले जाओ वो करप्शन के टोटली इनवॉल्व है। कहते अपने आप को कटरा ईमानदार का दावा तो पब्लिक दसे भी तुम ईमानदार है या नहीं। अपने आप को कटरा ईमानदार इसे करके दसना पैदा क्योंकि कटर भ्रष्ट है। देखो मैं तुम्हें पहले दसिया भी टॉप टू बॉटम यह भ्रष्टाचार के लिप्त है। इन्हों का सिर्फ सिंपल मोटो है कि पंजाब नू किसी भी तरीके नाल लुटिया जाए। लुट के जरा इतों के लुट का पैसा है वो एयर सर्विस के विच पोस्टल वार के विच इलैक्शन प्रचार के विच अपने निजी पार्टी का स्वार्थ जरा स्वर्ण वास्ते जरा सपने देख रहे हैं कि भी अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नू प्रधानमंत्री बना दा वो इन्हां नू आने वाले समय के विच ऐसे पांच स्टेटा च इन्हां नू इन्हां दा हाल पता लग जाना। पहले तो विधानसभा के विच ही तो लोग सभा के विच इन्हां दा जदों सुपड़ा साफ हो जाना फिर इन्होंने ठंडे होना उदों तक मैं तुहाडे माध्यम राही दसना चाहना उदों तक पंजाब का बुरा हाल हो जाना। तो तुहाडे माध्यम राही हाथ जोड़ के मेरी केंद्र सरकार नू बेनती है कि पंजाब तो इन्हां नू छुटकारा पवाओ ते पंजाब दे विच जल्द तो जल्द राष्ट्रपति शासन लगाओ क्योंकि पंजाब दे हाल डे बाय डे बद तो बदतर हो रहे हैं। काफी कुछ अमृतपाल दे बाद काफी कुछ कंट्रोल होया इहदे विच नो डाउट, लेकिन किते ना किते पंजाब नू लामू लाण वास्ते पंजाब नू अग लाण वास्ते फिर देश विरोधी ताकतां सक्रिय ने। इहदा मतलब सिर्फ इको ही है कि पंजाब का जो व्यापारी वर्ग है उन्हूं पंजाब दे विचों बाहर भजाया जाए। पंजाब का जो उद्योगपति है उन्हूं पंजाब की स्टेट तो बाहर भजाया जाए जिस उद्योग दे नाल पंजाब की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो कितने ना कितने मनसूबे वही 84 वाले ने, लेकिन इन्हां लोगों ने अपना थोड़ा नजरिया चेंज करके फरोती की आगे पंजाब के व्यापारी वर्ग मार रहे ने। जिस तरह अमृतसर के कांड होया, तरन तारण होया, जलंधर विखे होया, बठिंडा विखे होया, तो कितना कितने भै का माहौल है व्यापारी वर्ग च, उद्योगपतियों भै का। मैं फिर प्रार्थना कर रहा कि केंद्र सरकार भी पंजाब से नजर रखे और खास करके पंजाब की जिहड़ी गवर्नमेंट है उन्हों भी साड़िया कई गलों ध्यान से रखते हुए फिर कह रहे हैं कि पुलिस का फ्री हैंड किया जाए ता जो पुलिस जिहड़े लोग पंजाब नू तोड़ने के मनसूबे पाल के बैठे है उन्हों कंट्रोल करने वास्ते पुलिस जिहड़ी हैगी है वो अपना काम करे। और इहदे नाल एक गल यह भी जरूरी है जिहड़ा सिलसिला पंजाब दे विच चल रहा है गैंगवार का, तो जे इस तरह चलता रहा तो वह दिन बिल्कुल दूर नहीं है कि पंजाब के लोग जोड़े है वह सड़कों के उतरन और रोडों से आएंगे इस सरकार के खिलाफ विरोध के सुर पूरे शिखर से जाएंगे क्योंकि पंजाब की जी सरकार है उन्हों गिराने वास्ते तो केंद्र की गवर्नमेंट काफी लंबे अरसे तो प्रयास कर रही है कि यह सरकार की जी रेपुटेशन खराब हो गए यह सरकार 5 साल ना कढ़ सके। तो उसके बावजूद भी इन्ना कुछ होने बावजूद पंजाब के सीएम साहब जिन्होंने लोग कह रहे हैं कि वह जिहड़ी भी कोई चर्चा करनी होंगी है उन्होंने जिनी देर दिल्ली तो आदेश नहीं आता उन्नी देर कुछ करते नहीं। तो मेरी प्रार्थना है पंजाब के सीएम साहब भगवंत मान जी पुलिस नूं फ्री हैंड करो। पंजाब का कोई भी जिला जिहड़ा है क्योंकि कितने ना कितने अज भी ड्रग माफिया जिहड़ा पंजाब दे विच सक्रिय है ते जिहड़ा ड्रग्स का पैसा उही पैसा दे के ते व्यापारियों की हत्यावां करवा रही है वह माफिया। तो ये नाल नाल जो ड्रग्स माफी है वो जो मेन हैंडल ने जो बड़े उच्चे पद्धर से काम कर रहे हैं
वड्डी मछली अज तक कोई गिरफ्त विच आई नहीं। इस करके कृपा करो पंजाब दे उपर, पंजाब दी जड़ी गुरुआं पीरां दी धरती, इन्हां लोकां ने रल मिल के उहदा बेड़ा गर्क करता। जे यह सिलसिला होया जां इसे तरह यह सिलसिला चलता रहा तो मैनू लगता पंजाब दे विच जिहड़े लोग बाहरों अदर स्टेटां चों बाहरलियां कंट्रियां चों पंजाब दे विच आउंदे ने, हरिमंदर साहब नतमस्तक होने आते हैं, दुर्गैना मंदिर आते हैं, होर भी जो तीर्थ स्थान पंजाब के उत्थे आते हैं। तो मैनू लगता एक बहुत बड़े षडयंत्र के तहत उन्होंने डराने वास्ते एक बड़े उच्चे पद्धर से साजिश चल रही है। अगर सरकार ने मौका नहीं सांभिया तो मैनू लगता आने वाला जो समय है साढ़े हाथ के जी गेम सारी सरकार के कोलो बाहर चल जाएगी, और मैनू लगता लोग जो है बहुत जल्द रोड़ा दे आएंगे। हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा लाभ फ्री करेगा। धन्यवाद।